हमारे पास एक 9 वाट की LED बल्ब जो कि डेड प्रॉब्लम में आया है, वो इसके हम रिपेयर करके आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो आप अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखेंगे इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलते हैं, इसका फॉल्ट निकालते हैं। क्या फॉल्ट है? सबसे पहले इसका कैप जो है ओपन कर देते हैं। कैप को हमने ओपन कर दिया है, और कैप को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेज होल्डर पर लगा लेंगे। और सेज होल्डर पर लगाने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारा आउटपुट वोल्टेज बन रहा कि नहीं। इसके लिए हम पावर लाइन से सीरीज लाइन से सप्लाई दे चुके हैं। सीरीज लाइन सप्लाई देने के बाद हम मल्टीमीटर को 750 AC मोड पर सेट कर दिया। यहाँ पर हमने जॉइंटर लगाया हुआ जिससे हमारा होल्डर पर सप्लाई जा रहा है। यहाँ पर आप चेक करेंगे 230 वोल्टेज हमारे यहाँ पर आ रहा है इनपुट पर, ठीक है। इस जगह पर इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को 200 रेंज या फिर 1000 रेंज कम से कम सेलेक्ट करके रखेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव वाले जो दो प्रॉप हैं, तो इसके बाद देखिए हमारा क्या होता है। नेगेटिव मतलब ब्लैक वाली ये हमारी नेगेटिव है, और हमारी प्लस वाली लाल वाली हमारी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप चेक करें कि यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा आउटपुट में, लेकिन हमारा हल्का हल्का बल्ब जो है ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले इसका पावर ऑफ कर देना होगा। पावर ऑफ कर देने के बाद इसका जो यहाँ से इसका सोल्डरिंग करना होगा, चलिए इसका सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसको यहाँ से इसको चारों साइड से आपको ठोक पीट कर इसको इस प्रकार से बना लेना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से इसको खोलना इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। ये देखिए, इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा हीट देना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हीट देते जाना होगा, पीछे साइड से आपको खींचते जाना होगा। बहुत ही आसान तरीके में ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, आपका जो सर्किट है बहुत ही सेफ तरीके से बाहर आ चुका है। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस चेक करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट टारगेट, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बजट रेंज पर सिलेक्ट कर लेना होगा। मैंने मल्टीमीटर को कंट्रोल और बजट रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। मल्टीमीटर मेरा यहाँ पर पूरा वर्किंग है। इसके बाद इनपुट आउटपुट पर यहाँ पर आपको लगा के चेक करना होगा। तो यहाँ पर मेरा 96 ओम आ रहा है, मतलब मेरा रेजिस्टेंस जो है सही है। इसके बाद इस साइड पर भी चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना ओम का वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर हमारा 95, मतलब हमारा रेजिस्टेंस सही है। ये रेजिस्टेंस हमारा सही बता रहा है। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा इंडक्टर लगा हुआ ये भी हमारा सही है, ठीक है। अब इस जगह पर हमारा ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें अगर आपका जो MCPC भी ख़राब हो जाएगा तो कोई भी वोल्टेज आउट नहीं करेगा। ये आपको क्लियर करके समझना होगा। अभी मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया वो फिर भी, तो अभी मैं आपको इस समय लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। इसको यहाँ पर इसको इनपुट कर देंगे और हमारा इनपुट आउटपुट सब कुछ बनेगा। तो इसी के बजाय मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर हमारा इनपुट आउटपुट और हमारा सब कुछ मतलब जो कंपोनेंट हमारा सही है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 9 वाट के MCPC को हम यहाँ पर सिंपली कनेक्ट कर लेंगे, जो हमारा फॉल्ट है 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, इस जगह पर हमने 9 वाट की एक सिस्का ब्रांड की MCPC उपयोग करेंगे, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी में और कोई भी जल्दी भी दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले हम इसको यहाँ से इसका माइनस और यहाँ से हम इसका प्लस इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक LED लगाएंगे जिसमें आपको यहाँ पर छोटा सा कैपेसिटर ना मिले, यहाँ पर छोटा सा कैपेसिटर ना मिले कुछ इस प्रकार सर्किट में, तो आप समझ जाएंगे अगर आपका MCPC ख़राब हो जाएगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगा। MCPC जितने वोल्ट की होगी उतना ही वोल्टेज आपका आउटपुट करेगा। ये फिक्स वोल्टेज आउटपुट नहीं करता है, MCPC के अनुसार ये आपका वोल्टेज आउट करता है। चलिए हम इसलिए MCPC लगा जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 9 वाट की एक MCPC को इंस्टॉल कर दिया है, और हमारा यहाँ पर ये 9 वाट की MCPC हमने इंस्टॉल कर दिया। हमारा सर्किट अभी कुछ भी हमने छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है। इसको आप इसको पावर लाइन से कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए, पावर लाइन से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारी LED जो है ग्लो कर चुका है। इसके बाद हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे इसी तरह ऐसे जगह पर कि यहाँ पर इसको LED लगाने पर हमारा कितना वोल्टेज आउटपुट करता है, और LED हटाने के बाद हमारा क्या वोल्टेज आउटपुट करता है कि नहीं, ये मैं आपको इसको टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस प्रकार से करना होगा, ज़्यादा देर इसको चलाना नहीं है, नहीं तो हीट होकर MCPC की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर इसके मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव को यहाँ पर हम लगा कर रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 70 जो भी वोल्टेज होगा, क्लियर करके देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 74.5 वोल्टेज हमारे यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो है ये प्रॉपर सही है। इस प्रकार से मल्टीमीटर को यहाँ रख देने के बाद यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 73-74 ऐसा वोल्टेज आ रहा है, जो कि हमारा ओके है, प्रॉपर तरीके से फिक्स है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस MCPC जो हम फिक्स करेंगे हमारा प्रॉब्लम डन। तो पहले यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा था, और हमको पता ये भी नहीं था कि हमारे इसके अंदर कौन सा सर्किट है, इसलिए हमको पूरा LED और खोलना पड़ा। तो आप
ये वाले बल्ब में आपको ज़्यादा माथे पे चेंज नहीं करना, सभी कुछ कंपोनेंट अगर सही दिख रहा है तो आप एमसीपी से लगाइए, आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगा 101%, क्योंकि इसके अंदर ऐसा ही फिक्सिंग सिस्टम है। ठीक है, इससे आप एक बाइक लाइट टेस्टर भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। तो इसको हम यहाँ पर फिक्स करते हैं और फिर हम इसको फिक्स कर देते हैं पूरा बल्ब। तो इस प्रकार से आपको इसके जो जो खांचे बने हुए इसको ऊपर थोड़ा उठा देना होगा। मैं फ्लैश लाइट को थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये खांचे उठा देना होगा और इस प्रकार से आपको लगा देना होगा। ऊपर से देखने पर ये कोई भी एलईडी बल्ब आपको ऐसा नहीं लगा जो कि आपका ये डैमेज ख़राब हो, लेकिन ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो इसको आपको उखाड़ना होगा, बड़े ही सेफ तरीके से आपको निकाल लेना होगा। किसी प्रकार चले मैं निकाले, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसको मैंने यहाँ पर इसको इस पर इसके कैबिनेट पर मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है। सो यहाँ पर हम सोल्डर कर देंगे और क्या करेंगे हम इसके एमसीपी कोई मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया दूसरी सिस्का ब्रांड की, इसको हटा कर और यहाँ पर हम फटाक से सोल्डर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे फिट करके आपको चालू करके दिखाएंगे। तो क्या होता है, देखिए अलग अलग प्रकार के ड्राइवर आते हैं, कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जिसके एलईडी ख़राब होने के बाद भी वो वोल्टेज आउटपुट करता रहता है। तो और इसमें क्या होता है, जितने वाट के आप एमसीपी पे लगाएंगे उतना वोल्टेज आपका आउटपुट कर देगा। ये भी खासियत है इसके अंदर। तो हमने इसको फिक्स कर दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको यहाँ पर इस प्रकार से फिक्स कर देना होगा। नेगेटिव पॉजिटिव को आपको ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर देना होगा, जो कि हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम सोल्डर कर देते हैं। इसको मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिक्सिंग कर दिया है। फिक्स करने के बाद इसको नेगेटिव का जो वायर है, मतलब नेगेटिव मतलब माइनस वाला जो वायर है, तो हम इसको माइनस वाले टर्मिनल पर हम यहाँ पर सोल्डर कर दिए। ठीक, जो इसका प्लस वाला पॉइंट है तो हम इसको प्लस वाले पॉइंट पर यहाँ पर मैं सोल्डर कर देता हूँ। और अगर आप इसका वायर निकाल के चेक करेंगे तो आपको ऐसा ही अनुभव होगा कि इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा, लेकिन आप एलईडी लगाएंगे उसके बाद चेक करेंगे तो आपका जो वोल्टेज है बन जाएगा। इसका ऐसा ही कुछ सिस्टम है। चलिए हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं और इसको पावर लाइन से हटाकर आप लगाएंगे, नहीं तो आपको झटका मार सकता है, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ पावर लाइन से। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने पावर का जोड़ दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर से हम पावर को कनेक्ट करके देखेंगे, देखो क्यों ऐसा लाइट नहीं आ रहा इसमें। तो देखिए क्या हुआ था, मेरा होल्डर सही तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा था, तो इसको ढक्कन में लगा देता हूँ। और ढक्कन लगाने के बाद इसको हम डायरेक्टली वायर टच करके दिखा देते हैं, या फिर मैं इसको यहाँ से स्टैंड से हटा लेता हूँ, आपको मेन होल्डर पर लगा के दिखा देता हूँ। ये मेरा मेन बोर्ड पर इसको मैंने यहाँ पर लगाया और ये सही से इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो इसको ये होल्डर पर एडजस्ट नहीं हो रहा। देखिए मैं इसको पकड़ाऊँ तो जल रहा, तो होल्डर मेरा लूज है, कोई भी दिक्कत नहीं, पर हमारा बल्ब जो है परफेक्ट तरीके से जल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं इस लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।